अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द चैनल कुज़ायका पकवान बाय आयशा किचन। मैं हूँ आयशा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। इसके लिए मैं 3 ब्रेड के स्लाइस, 2 एग, मोज़ेरेला चीज़, हाफ ऑनियन चॉप किया हुआ और हाफ ही टमाटो। अब हम लोग दोनों एग को तोड़कर एक प्यारे से बाउल में शामिल कर देंगे। अब हम इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे, हाफ टेबल स्पून साल्ट और इतना ही अमाउंट हम जो है रेड चिली पाउडर का भी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के जो मुताबिक आप शामिल कीजिएगा सब कुछ। अब जो है हम ब्रेड को स्लाइसेस में काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर वालों को यह रेसिपी कैसे लगी। मेरे घर वालों को तो यह रेसिपी बहुत पसंद आई थी। अब हम लोग जब ब्रेड के स्लाइसेस कर लेंगे, ब्रेड को छोटे छोटे में टुकड़ों में काट लेंगे, तब हम इसे अंडे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और दूध शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और अब हम लोग जो है इसको स्मैश करेंगे, इसका कीमा बना लेंगे। मैंने बटर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। बटर को हम लोग पैन पे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे। अच्छे तरीके से फैलाने के बाद अब मैंने ऊपर डाली है अपने ब्रेड का मसाला जो हमने बनाया था, उसको हम लोग एक पिज़्ज़ा डो की तरह शामिल करेंगे। दो से तीन मिनट पकाने के बाद आपकी एक साइड पक जाएगी और अब जब आप दूसरी साइड करेंगे तब आप उसको पकाएंगे नहीं, जैसे आप दूसरी साइड करेंगे वैसे ही आप ऊपर चीज़ शामिल कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ मेल्ट होगी वैसे वैसे वो नीचे से पक भी जाएगी। ऊपर फिर मैंने ऑनियन डाले हैं और टमाटोज डाले हैं। आप चिकन डालना चाहें आप चिकन भी डाल सकते हैं, आपके पास जो जो चीज़ अवेलेबल है आप वो डालें और उसके बाद इसको 2 मिनट तक पका लें। ये देखिए माशाल्लाह तैयार है हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा। बच्चों के लंच के लिए ज़बरदस्त है और सुबह ब्रेकफास्ट में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।